शुभवी जब फर्स्ट टाइम आपको कसौटी जिंदगी टू के लिए आया तो आपको लगा था उस टाइम पे कि यार ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरे लिए कैरेक्टर इसलिए चैलेंजिंग था नॉट बिकॉज इट वाज अ पार्ट टू नॉट बिकॉज इट वाज अ यू नो कसौटी जिंदगी के टू मेरे लिए इसीलिए चैलेंजिंग था क्योंकि मोहिनी बासु शुभवी से नाइन्टी नाइन है अपोजिट um, मोहिनी बासु सिर्फ स्टेटस देखती है और लोगों से बात करती है आई एम डेफिनेटली नॉट लाइक दैट Um, <clears throat> Mohini Basu uh, talks to people according to the money that they have. I talk to people if I got a good vibe. If I got a good vibe and energies are clean, Shubhvi will we, we'll just be house on fire. Um, I am uh, Mohini Basu, I don't think is manipulative, but she's a little calculative in her uh, relationship. Uh, यू नो स्टेटस किससे कितना बात करना है बिकॉज शी इज़ लाइक दैट इट्स नॉट अ चीज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर बट शी इज़ लाइक दैट शुभ वी इज़ नॉट लाइक दैट आई एम अ पर्सन हू इफ आई लाइक द पर्सन इफ आई एम हैविंग फन विद द पर्सन एंड द प प प प प प प प प पर्सन इज नॉट अ हिपोक्रेट एंड इज ऑनेस्ट आई विल टॉक टू द पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट जॉनर वॉट क्लास दे कम फ्रॉम वॉट कार देव गॉट आउट ऑफ दैट डज नॉट मैटर टू मी मोहिनी बासू Loves her son more than anything in the world. Sorry to be modest, but I love myself more than anything in the world because I feel that if I love myself, then I'll be able to spread the love subconsciously to everyone. So there are a lot of reasons that were challenging because um, with me, I um, it's a good thing, but my heart and my eyes are the connection. So when I act, I have to feel it here. सो दैट इट कम्स आउट नेचुरली बट वो कनेक्शन नहीं आ रहा था मोहिनी बासू का बिकॉज मैं यही सोच रही थी कि कोई uh, अपने बच्चे से इतना प्यार कैसे कर सकता है अगर तीन बच्चे हैं तो आप एक से इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हो इट्स नॉट फेयर अगर किसी के पास पैसा नहीं है लाइक like राजेश की फैमिली तो मैं यही क्वेश्चन हमेशा पहले पूछ रही थी ऐसे राजेश तो इंसान अच्छा है यू you नो know? Uh, उसकी वाइफ़ अच्छी है उसके बच्चे अच्छे हैं तो क्यों ना मैं बात करूँ मैं क्यों उन्हें वहाँ पीछे खड़े रखूँ पंडाल में जब उन्होंने पंडाल से सो so दीज were the थिंग्स के कनेक्शन एज अ कैरेक्टर मुझे नहीं मिल रहा था तो इट वॉज डिफ़िकल्ट बट जब मिल गया देन ईजी हो गया था बट इट्स नॉट बिकॉज सॉट जिंदगी के टू आया था इट्स बिकॉज uh, शुभवी का मोहिनी बासू के साथ वो एज एन एक्टर कनेक्शन नहीं मिल रहा था सो दैट वॉज डिफिकल्ट आपकी जितनी एज है उस हिसाब से लगते नहीं कि इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ अगर मैं कैरेक्टर प्ले करूंगी तो लोग किस तरह से लेंगे आप खुद किस तरह से लोगे तो उसके बारे में कुछ बताए नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू मेरे लिए एज एन एक्टर वेन आई स्टार्ट मॉडलिंग आई वॉज एटीन माई फर्स्ट एटीन एंड हाफ आई डन माई फर्स्ट कमर्शियल माई सेकंड कमर्शियल मैगी विथ टू किड्स सिक्स ईयर रोल्स तो तब मुझे झटका लगा था इट्स लाइक अच्छा मैं तो एच एस में थी ट्वेल्थ है ना उस लाइक ये क्या है ठीक है यू नो आई डों मेक दिस माई करियर आई एनी वेज वॉन्ट टू सेव द मनी एंड गो अब्रॉड एंड स्टडी बट लिटल डिड आई नो दैट आई वुड वॉन्ट टू मेक इट एज अ करियर सो तब तक दिन आई इज लाइक अच्छा ठीक है हो रहा है ना एड्स ठीक है फिर क्योंकि आया क्योंकि इनिशियली वैसा नहीं था लेकिन जब क्यूकी ने लीप लिया तो मुझे लगा कि ओ माई गॉड एंड जब मैं क्योंकि कर रही थी आई वॉज ट्वेंटी फोर तो आई यूस्ट टू लुक वेरी मचोर टू माई एज बिकॉज मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था एंड आई स्टिल रिमेंबर हितेन और मैं आई यूस टू ऑलवेज मेक बिकॉज हितेन मज सपोज टू बी माई सन और हितेन इज़ लाइक कपल ऑफ ईयर्स ओल्डर टू मी एंड हितेन इज़ लाइक तू मेरी मम्मी है आई हाँ आई स्टिल रिमेंबर दैट जब हम शूट करते थे बट आई डों लुक्स जो मुझे मिले हैं एवरी टाइम इज़ टू गुड या मतलब अपेरेंटली uh, मुझे ये बहुत सालों बाद पता चला कि मीरा सिंघानिया की जो uh, साड़ी की सा, uh, साड़ी ड्रेपिंग की स्टाइल थी और uh, ब्लाउज़ का स्टाइल था वो बहुत लोगों ने किया था अपेरेंटली तो आई वॉज़ लाइक चलो वेरी गुड फिर मैंने कहानी किया बिकॉज आई वॉज लाइक ठीक है क्योंकि खत्म हुआ आई वॉन्टेड टू डू सम कहानी हो गया दैन आई गॉट मैरिड

गुड रोल कि जब आप बाहर जाओ ना तो आपको आपके एक्चुअल नाम से कोई नहीं पुकारते है, आपके कैरेक्टर से आ, लोग आपको बुलाते हैं अभी जब आप निकलते हो तो लोग किस तरह से आपको बुलाते हैं या किस तरह से आपके पास आते हैं यू नो अभी टाइम्स चेंज हुए हैं पहले मुझे अभी भी याद है मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही कहा था कि जब मैं लंडन में थी आई वॉज वेकेशनिंग फैमिली और तब पाकिस्तान से एक यंग लड़की भाग भाग के आई थी मैन आई वॉज गेटिंग इन कैब एंड शी हैड सेट कि आप मीरा सिंघानिया ना एंड दिस इज़ इन टू थाउजेंड फिफ्टीन मेरा क्योंकि ख़त्म हो गया था इन टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड सिक्स तो एक तो मैं इंडस्ट्री में भी नहीं थी तो आई वॉज लाइक हाँ जी लाइक आप प्लीज़ कैन आई टिक पिक्चर भी थी तो तब उसने कहा कि यू नो वी रियली फॉलो यू एंड वी रियली लव यू एंड वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम बैक एंड शी आस्ट मी वाई माई नॉट कमिंग बैक सो आई वॉज लाइक ओके एंड शी आस्ट मी द नेम बट वॉट इज़ हैपंड कि बैक दैन जब मैं क्यूकी कर रही थी सब मीरा बुलाते थे बट ऑफ लेड इन दास्ट डेके पीपल से आप ये सीरियल में आते हो ना आपका नाम क्या है तो एज अ टेलीविजन आर्टिस्ट आई थिंक इट्स ग्रेट थिंग क्योंकि मैंने उस टाइम देखा था कि लोग आपको अपने कैरेक्टर नेम से ही बुलाकर आपके साथ फोटो खिंचवाते थे ऑटोग्राफ्स लेते थे जब ऑटो उस टाइम ऑटोग्राफ्स लिया करते थे तो ऑटोग्राफ्स जब लेते थे तब उनको पता चलता था कि अच्छा आपका नाम क्या है तो मैं बोलती थी शुभवी एक भाई अच्छा नाम है बट वो गिने चुने लोग थे बट अभी आई थिंक दिनारियो हैज़ चेंज लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो इट्स अ ग्रेट चेंज एक्चुअली